हेलो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे कैपिटल गुड्स की कैपिटल गुड्स को फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स भी बोलते हैं और कैपिटल गुड्स को फाइनल प्रोड्यूसर गुड बोलने के पीछे एक वजह यह है कि कैपिटल गुड्स को कोई भी प्रोड्यूसर सेल करने के पर्पज से नहीं खरीदता है बल्कि इन गुड्स को प्रोड्यूसर रिपीटिडली यूज़ करता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से मतलब है कि किसी और कॉमोडिटी के प्रोडक्शन के लिए या इनकम जनरेशन के परपज से इन गुड्स का रिपीटेडली यूज़ चल रहा होता है जैसे एक टैक्सी ड्राइवर के लिए कार उसके लिए एक कैपिटल गुड है क्योंकि वो डेली बेसिस पर उससे इनकम अर्न कर रहा होता है सिमिलरली एक टेलर के लिए स्वइंग मशीन एक कैपिटल गुड है क्योंकि वो उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ कर रहा होता है उनसे दूसरे लोगों के लिए कपड़े बना रहा होता है और उससे इनकम जनरेट करता है कोई मशीन कोई प्लांट जो एक फैक्ट्री के अंदर लगा है वो प्रोड्यूसर के लिए कैपिटल गुड होता है क्योंकि उस मशीन से उस प्लांट से वो रिपीटेडली रिपीटेडली इनकम जनरेट कर रहा होता है या गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट कर रहा होता है चलिए देखते हैं जो कैपिटल गुड्स होती हैं इनको फिक्स्ड एसेट बोला जाता है और इन कैपिटल गुड्स में टाइम के साथ साथ इनकी वैल्यू में डेप्रिसिएशन होता चला जाता है क्योंकि कैपिटल गुड्स को आप जैसे जैसे यूज़ करेंगे एक तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाती है दूसरा उसकी वैल्यू लगातार उसके यूज करने की वजह से जो वियर एंड टीयर होते हैं उनकी वजह से भी वैल्यू कम हो जाती है जिसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है कैपिटल गुड्स पर होने वाले एक्सपेंडिचर को आप फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं कैपिटल गुड बेसिकली जो ये एक्सपेंडिचर होता है कैपिटल गुड पर होने वाला जो एक्सपेंडिचर होता है इससे ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी होती है इकोनॉमी की या उस फैक्ट्री की वो इंक्रीज हो जाती है यानी कि अगर एक टैक्सी ड्राइवर के पास या टैक्सी ओनर के पास एक टैक्सी है तो एक टैक्सी से कम इनकम होगी दो टैक्सी होंगी तो इनकम बढ़ जाएगी सिमिलरली प्रोड्यूसर के पास अगर एक मशीन है तो इनकम कम होगी दो मशीन होंगी तीन मशीन होंगी तो प्रोडक्टिविटी के साथ साथ उसकी इनकम भी राइज कर जाती है कैपिटल गुड्स पर होने वाले एक्सपेंडिचर को हम फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं या फाइनल प्रोड्यूसर्स एक्सपेंडिचर बोलते हैं सो ये नेशनल इनकम में भी इंक्लूड होता है ओके okay फ्रेंड्स मुझे लगता है आपको कैपिटल गुड्स की डिफाइन समझ आई होगी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जब भी प्रिकॉशंस रिगार्डिंग नेशनल इनकम आते हैं तो उसमें ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि इस कॉमोडिटी पर होने वाला एक्सपेंडिचर नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं होगा तो नेशनल इनकम पढ़ने से पहले मैंने सोचा मैं आपको कुछ बेसिक टॉपिक्स करा दूं ताकि वो आपके लिए इजी हो जाए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू